एमबीबीएस छात्रा शिवरंजनी तिवारी अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह करना चाहती हैं। बताते हैं, कुछ महीनों पहले शिवरंजनी तिवारी के परिवार को बागेश्वर धाम से तेल बेचने के आरोप के चलते भगाया गया था। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि शिवरंजनी के पिता के अपमान का बदला लेने के लिए ये पद यात्रा और शादी वाली बात उड़ाई हो। दावा ये किया जा रहा है कि शिवरंजनी ने विवाह के संकल्प की जगह 6 महीने पहले पिता और भाई का अपमान का बदला लेने के लिए ये यात्रा निकाली थी। शिवरंजनी के पिता बैजनाथ तिवारी ने बताया कि उन्होंने बागेश्वर धाम में अपने मार्केंडे तेल की दुकान लगाई थी। 3 दिन तक उन्होंने खूब तेल बेचा। जब वो इस तेल की ब्रांडिंग के लिए रुपये लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए तो उन्होंने रुपये लेने से इनकार कर दिया और उनके सेवादारों ने उनके परिवार को दुकान सहित बागेश्वर धाम से भगा दिया। अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया और ये सब प्रपंच रचा। जब इस बारे में शिवरंजनी से बात की तो साफ कहती हैं कि उनके पिता के साथ क्या हुआ वो नहीं बताने वाली। हमारे साथ में नवंबर में वहाँ पर क्या हुआ था, तेल का असल मैटर क्या था, क्योंकि आप तो वही जानते हैं जो आपको वहाँ के सूत्रों से पता चला है, लेकिन वहाँ पे जो भी असल में सच हुआ था, हम सच हैं, हमारे बालाजी सरकार सच हैं, हमारे पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज साक्षात भगवान हैं, उनको साक्ष रख के मैं एक बात बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमारे साथ में वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो कोई नहीं जानता, महाराज जी भी नहीं जानते। अगर मैं वहाँ का अगर असल मैटर बता दूँ क्या हुआ था, उसमें फिर बागेश्वर धाम का नाम उठ जाएगा और बालाजी सरकार है, मेरी पर्सनल आस्था है, मैं नहीं चाहती मेरे भगवान के ऊपर, मेरे अपने धाम के ऊपर, क्योंकि मैं उसे अपना धाम मानती हूँ, मेरी श्रद्धा है कि उसके ऊपर एक भी टिप्पणी। और हमने सबको बताया था, समिति के लोगों को, कि ये जो पैसा है ये अन्नपूर्णा क्षेत्र में मेरे बेटे का जनेऊ होएगा तो उसके लिए है, ये सबके बीच में कहा। उसके बाद जब पैसे देने की बात आई और हमने कहा कि भाई हमें वहां पर पहुंचा दीजिए क्योंकि गुरुजी तक मेरा बेटा देना चाहता है, यानी पैसा देना चाहता है, तो पहले तो ये हुआ आप हमें दे दीजिए, आप हमें दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे, ऐसा करते। इसके चलते लगभग 1-2 दिन तक हमें बेटा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।